नमस्ते फ्रेंड्स, क्रिएटिव शालिनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिवाली बीत चुकी है और पुराने दिए सभी के घर में इकट्ठे होंगे, तो चलिए उनसे कुछ ब्यूटीफुल क्राफ्ट बनाते हैं। तो कुछ आइडियाज़ आज आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आइडिया, तो इसमें मैंने क्या किया है कि मोल्डेड क्ले लिया है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको, और फिर एक दिया लेना है और उस तरीके से जैसे मैं इसमें कर रही हूँ आपको बनाना है। तो आप, मैं इसमें एक टर्टल बनाने वाली हूँ। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसका मुंह बनाया है, हैंड बनाए हैं और पीछे पूंछ भी लगाई है, और इसी से मैं इसमें आइज़ बना दी हूँ। और किसी भी आपको शार्प चीज़ लेनी है, पतली चीज़, उससे माउथ का शेप दे देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से एक टर्टल का शेप इसमें आ गया है। तो और बाकी आपके पास जितना आप उसके ऊपर डेकोरेशन चाहते हैं मोल्डेड क्ले से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन बनाई है, मेरा दिया बहुत बड़ा नहीं था। अगर आप बड़ा वाला दिया ले रहे हैं तो उसमें और डिज़ाइंस बना सकते हैं। इस तरीके से हम इसे फिर ड्राई होने के लिए रख देंगे। मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो बहुत सिंपल सी डिज़ाइन बनाई है, कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसमें और भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने ग्रीन और येलो का पेंट लिया है और उसी को हल्का सा मिक्स एंड मैच करके पेंट कर दिया है। कुछ इस तरीके से देखिए मैंने पेंट किया है। तो ये हमारा जो कछुआ है वो पेंट हो गया है। उसके बाद फिर ब्राउन कलर के पेंट से मैंने ऊपर से कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन बना दी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने डिज़ाइन बनाई है। और आफ्टर दैट मैंने गोल्डन कलर लिया है और उससे थोड़ा सा अच्छे से कलर कर दिया है साइड्स में, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए गोल्डन कलर कर दिया है, उसी से ही डिज़ाइन बना दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये टर्टल बनकर तैयार है। और अब हमें इसे थोड़ा सा और डेकोरेशन करना है, तो आप मिरर लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, आप लगाएं तो लगाएं, नहीं मत लगाइए। तो बट मैंने लगा दिया है ताकि ये थोड़ा सा देखने में और सुंदर लगे। तो मैंने इसके चारों तरफ ऊपर और जहाँ पे भी डिज़ाइंस बनाई हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप मिरर को पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से सभी तरफ मिरर्स पेस्ट कर दिए हैं। तो इस तरीके से ही हमारा देखिए जो कछुआ है वो बनकर तैयार हो गया है, और देखने में भी बहुत सुंदर सा छोटू सा टर्टल हमारा तैयार हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वाला आइडिया कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वैसे भी ये हमारे घर में रखना शुभ होता है, तो अगर आप बाहर से नहीं अभी तक ला पाएँ तो घर पर अपने पुराने दिए का यूज़ करके बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो उसमें मैंने कुछ दिए लिए हुए हैं और उनको इस तरीके से मैंने दो दिए को इस तरीके से पेस्ट किया है। तो आप लगभग 6 दियाज लीजिए, 6 दिया लीजिए और इस तरीके से उसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया है, मोल्डेड क्ले की हेल्प से मैंने पेस्ट कर दिया है। और आफ्टर दैट हमने क्या करना है, मोल्डेड क्ले फिर से लेना है, वापस से इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको मोल्डेड क्ले की हेल्प से पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने इसे पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद और ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी अच्छे से हम मोल्डेड क्ले से इसे पेस्ट कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपका रहे, अग्नि के लिए नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा सुंदर सा क्राफ्ट इस तरीके से बनकर तैयार होगा। तो अब हमें क्या करना है कि जो ऊपर वाला दिया है उसमें हम हेयर बना लेंगे। ये हम डॉल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ऊपर हल्का सा हेयर बना लिया है, नीचे फेस को खाली रखेंगे और फिर हम इनके हैंड्स बनाएंगे। तो देखिए दोनों में ही इस तरीके से हेयर बना लिया है, ये देखिए दोनों में ही बन के तैयार हो गया है। और उसके बाद हम कोई भी डोरी ले लेंगे, इसको डारा भी बोलते हैं, आपके लोवर में निकलता है या टी शर्ट्स वगैरह में भी अक्सर करके नेक के में निकलता है। तो आप इस तरीके से वेस्ट वो ले सकते हैं अगर आपके पास पड़ा है, या फिर डोरी ले सकते हैं जो कपड़े फैलाने वाली डोरी होती है ना, उसको भी कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने नीचे पेस्ट कर दिया है लेग बना कर, तो ये लेग बन गए हैं। और ये देखिए दोनों के हैंड और लेग मैंने इस तरीके से बना लिए हैं। और देन आफ्टर फिर हम इसको पेंट करेंगे। तो ऊपर हेड में मैं ब्लैक पेंट करूँगी, तो हेयर्स और हेड है जो
हेयर्स पेंट करने के बाद जो इनके क्लोथ्स हैं, मतलब आप ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग पसंदीदा कलर इनमें कर सकते हैं, जो भी कलर आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इनके कपड़े हैं वो आप बना सकते हैं कलर करके। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इनके हैंड और जो इनका लेग्स है उसमें कलर कर देना है। तो इस तरीके से मैंने कुछ रेड येलो कॉम्बिनेशन किया है एक में, और इसी तरीके से एक और दूसरा जो है वो ऑरेंज और येलो कलर का कॉम्बिनेशन कर दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पसंदीदा कलर चूज कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसके फेस में कलर कर लेंगे, और फेस के बाद जो हैंड्स हैं लेग्स हैं उसमें भी कलर कर लेंगे। और इस तरीके से हमारा ये पेंट हो रहा है। और देखिए इस तरीके से मैंने लेग्स में भी कलर कर लिया है, सेम वही ऑरेंज ही कलर किया है। और लास्ट में जो नीचे मैंने शूज़ बनाया है ना उसमें कलर कर लिया, दोनों में डिफरेंट थोड़ा सा कर दिया, एक में ब्लैक ब्लू, आप चाहो तो सेम भी कर सकते हो। आफ्टर दैट फिर क्या करना है, जो फेस पे आईज़ वगैरह बनाई थी ना उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना है ब्लैक कलर से, और जो गर्ल है उसको आप थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए, माला वगैरह हाथ में कुछ पहना दीजिए। और जो बॉय बनाया है तो उस पर आप शर्ट का कॉलर बटन्स वो मैंने कर दिया है, बना दिया है। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये डॉल्स बनके तैयार हो गई हैं। सो इजी, आप इसे टी लाइट कैंडल के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ईजी है ये। तो इसमें क्या करना है, मैंने दो दिए लिए हुए हैं, उनको अच्छे से रेड कलर से पेंट कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए पेंट कर लिया है, और उसके बाद एक और मतलब 3 और 4 मैंने साथ में ही किया है। तो इसमें जो आइडिया है तो इसको मैंने इस तरीके से पेंट किया है। देखिए दो सेम कर लेना है आपको और एक ही है। तो इसको देख के तो आपको शायद लग रहा होगा कि मैं इससे लेडी बग बनाने वाली हूँ। तो और जो दूसरे जो मैंने दो रेड कलर के पेंट किए थे उससे मैं ये इस तरीके से मशरूम्स बनाऊंगी। तो आप इनको गार्डन क्राफ्ट भी कह सकते हैं, आप अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं इसको, और या फिर आप अपने रूम में भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, दोनों देखिए मशरूम्स बना लिए हैं, देखने में कितने क्यूट लग रहे हैं। आप चाहें तो रेड नहीं, आप और भी कलर्स के बना सकते हैं, डेकोरेशन में कलरफुल अच्छी लगती हैं चीज़ें। और लेडी बग भी और कलर्स की आप बना सकते हैं, बट मैंने एज यूजल जो रेड होता है मैंने रेड ही लिया है। आप चाहें तो और भी दियों का बना सकते हैं, रेड येलो इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज के ये क्राफ्ट अच्छे लगे होंगे और आइडियाज़ भी अच्छे लगे होंगे। तो मशरूम्स को स्टैंड करने के लिए मैंने थ्रेड स्पूल का यूज़ किया है, उनको वाइट कलर से पेंट कर लिया है। आपके पास थ्रेड स्पूल नहीं है, आप कोई डंडी स्टिक कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने इसी को यूज़ किया और ये फेविकोल से अच्छे से स्टिक भी हो गया था, मतलब हाँ थोड़ा सा टाइम लगा था। तो मैंने इसको इससे ऐसे रख दिया था, और थोड़ी देर भी आप रखेंगे ना 3-4 आवर्स तो उसमें ये स्टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारे कितने प्यारे से बन के तैयार हो गए हैं, ये बहुत ही क्यूट और सुंदर लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये आज के आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्राफ्ट के साथ। बाय बाय।